audible. And the next is keto enol tautomerism. The next is keto enol tautomerism. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स में हम ये सारे डिस्कस करेंगे जिसमें उस चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे. जैसे हम इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं रिंग की, पोजीशन की, फंक्शनल ग्रुप्स की, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म. ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो हियर? Stereo means we are talking about the space coordinates. Space, three dimensions में बात करेंगे. जैसे आपने देखा होगा लैब में जो एक डायग्राम आपको कहा था ग्रेफाइट का, थ्री डायमेंशनल मॉडल था वो. 3D यानी कि हम थ्री डायमेंशनल में बात करेंगे और इसमें आपके दो तरह के आइसोमेरिजम्स शो होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉन्फर्मेशनल एंड द सेकेंड वन इज कॉन्फिगरेशन. कॉन्फर्मेशनल आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में.
ठीक है, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जहां पर हम रोटेशन करेंगे एक बॉन्ड के अबाउट, कि अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर देती हूँ, सपोज मेरे पास, इमेजिन करो ग्रेफाइट का थ्री डायमेंशनल मॉडल है मेरे पास, और अगर मैं उसका एक बॉन्ड जो है वो रोटेट करती हूँ किसी और डायरेक्शन में, एक बॉन्ड तोड़ के कहीं और फिक्स कर देते हैं, ठीक है, उसकी जगह कोई और एटम अटैच कर देते हैं, तो डेट इज कॉन्फर्मेशन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फर्मेशन आएंगी हमारे पास उसकी। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये इसके अंडर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इधर इधर वैभव, उधर उधर लास्ट में बैठ जाइए, इधर बैठ जाओ। कॉन्फिग्रेशनल में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें भी मैं आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम करेंगे अभी, ये वाला नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, दोनों कॉन्फिग्रेशनल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, भैया बाकी दोनों हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताऊंगा। ओके, ठीक है जी, स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज शोन बाय, सबसे पहले डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होने चाहिए, दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट दिस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो है ये एग्जिबिट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, सपोज आई एम टेकिंग एनी एल्कीन, फर्स्ट असेंशियल कंडीशन है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स का होना जरूरी है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स का होना जरूरी है, एंड द सेकेंड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज आइसोमर्स इज दिस, कि यहां पर जो ग्रुप्स अटैच होने चाहिए दे विल बी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स दे शुड बी अटैच। अब होता क्या है बेटा इसमें, वेरी इजी आइसोमर, देखिए मैंने यहाँ पे दो एल्कीन के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ठीक है, एक एल्कीन का स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया, और दूसरे का स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है जी, एक का स्ट्रक्चर ये है, दूसरे का स्ट्रक्चर वो है। इसमें से आप देख सकते हो कि ये दोनों COOH ग्रुप जो हैं, वो दोनों एक साइड पे हैं, इसमें जो दोनों COOH ग्रुप हैं, दे आर फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, हाँ जी क्लियर, इन दिस दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, या तो दोनों ऊपर भी हो सकते हैं या दोनों नीचे भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बनाया आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो, या आप उनको ऐसे भी दोनों को शो कर सकते हो, दोनों इस साइड भी हो सकते हैं, दोनों इस साइड भी हो सकते हैं, ठीक है, तो सेम चीज है ये सारी। ओके, सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स दे आर नोन एज सिस आइसोमर्स, इनको हम कौन से आइसोमर्स कहते हैं, सिस आइसोमर्स, वी कॉल्ड सच आइसोमर्स एज सिस आइसोमर्स, जिसमें ये दोनों जो सेम ग्रुप्स हैं दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ये दोनों इस डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हैं, एंड इफ दीज टू सिमिलर ग्रुप्स दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, देन दिस कॉन्फिगरेशन और दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ट्रांस, तो एक सिस है और एक ट्रांस, ठीक है जी, दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो रोटेशन ही की मैंने, रोटेशन ही की ना, पहले ये COOH बॉन्ड जो था वो यहाँ पे था, ये बॉन्ड हमने इसके साथ इंटरचेंज कर दिया, तो ये हम सारी चीजें कहाँ पर कर सकते हैं, वी कैन डू दिस इन थ्री डायमेंशन स्पेस कोऑर्डिनेट्स में, जहां पर आप प्रॉपर वो बॉल एंड स्टिक अरेंजमेंट अगर आपके माइंड में होगा, जिसको आप एक एटम की फॉर्म में गोल गोल सा लगाते हो, ठीक है, और स्टिक है उसको वहां से उतारो, ठीक है, एंड स्टिक दैट टू हेयर,
COH ग्रुप को आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पर जो H था उसको आपने निकाला और ऊपर अटैच कर दिया, तो प्रॉपर हम क्या कर रहे हैं उस ग्रुप की या उस एटम की क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और ये सारी चीजें किसमें पॉसिबल है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स में, थ्री डायमेंशन में पॉसिबल। ओके, सो दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नाउ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले लिखिए चेन आइसोमेरिज्म, राइट डाउन द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट डिफरेंट चेन्स फॉर्म करेंगे। सबसे पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेट्स फॉर्म द डिफरेंट डिफरेंट चेन्स ऑफ ब्यूटेन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, चार कार्बन है, एल्केन है। हाँ जी ठीक है, फोर कार्बन हैं। इफ दिस स्ट्रक्चर इज रिप्लेस्ड बाय दिस, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4। सो दिस इज सी फोर, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 3, 9, + 1, 10, 1, 2, 3, 4। दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में C4H10 है, बट ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचिंग में है, इसका नाम बताओ। टू मिथाइल, क्या नाम है, टू मिथाइल प्रोपेन। हो गया दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एक दूसरे से, इसमें स्ट्रेट चेन थी और इसमें आपने ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है जी, दीज आर द चेन आइसोमर्स जिसमें आप चेन बनाते हो डिफरेंट डिफरेंट, स्ट्रेट चेन हो गई, ब्रांच चेन हो गई। ओके, नाउ ड्रॉ द आइसोमर्स फॉर पेंटेन। तीन आइसोमर्स बनेंगे पेंटेन के, एक स्ट्रेट और दो ब्रांचिंग, पेंटेन के बनाओ अब। Draw the structures for pentane. सबसे पहले मुझे molecular formula बताओ pentane का क्या है। Molecular formula of pentane, C5H12। Alkanes का general formula I hope आपको याद होगा, CnH2n+2 होता है, remember this? ठीक है, तो C5 है, तो 5 × 10 + 1 इजीली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज C5H12। बनाओ दोनों स्ट्रक्चर्स और मुझे आंसर बताओ क्या क्या उनके नेम्स हैं, बस आपने ये बताना है। एक तो सिंपल पेंटेन बन जाएगा, दो ब्रांचिंग वाले बताओ, और टू मिथाइल ब्यूटेन एंड प्रोपेन। पंच आ जाओ बाहर, बाहर आओ, कम कम। सिमिलरली ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट हेक्सेन के लिए बनाओ, आ जा बाहर जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी आओ बाहर। हाँ जी, इलेवन क्यों बन रहे हैं, आपने ज्यादा लगा दिया होगा एक, मैं बनाती। पेंटेन इज C5H12, इसी में ही कर देते हैं एडिशन। ठीक है जी, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही बन रहे हैं बेटा, क्या हो गया। हाँ जी, एक ये बन जाएगा फर्स्ट, दिस वन कोई भी एक ब्रांचिंग में ले जाओ, ठीक है, एंड दैट विल बी टू मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और सेकंड स्ट्रक्चर में
हमने दो ब्रांचिंग में ले जाने हैं। ठीक है जी, दो ब्रांचिंग्स में चले गए। अब इसका क्या है, ये स्ट्रेट चेन हमने प्रेफर कर लेनी है तीन वाली, ठीक है, एंड दैट इज 2,2-dimethylpropane। ओके, सिमिलरली ड्रॉ द नेक्स्ट वन, हेक्सेन के लिए बनाओ आप सारे स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स फॉर हेक्सेन। तो ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स ऑफ हेक्सेन। जल्दी बनाओ और मुझे सबके आंसर बताओ, जस्ट नेमिंग। हेक्सेन के बाद कौन सा बना है, 2,2-dimethyl ब्यूटेन। पहले ब्यूटेन पे पहुंच गए, पेंटेन के भी दो स्ट्रक्चर्स बना लेना, बना लिए। पेंटेन के कौन कौन से आए हैं, 2-methyl पेंटेन, और जैसे आपने 2-methyl बनाया वैसे 3-methyl भी बना सकते हो, 4-methyl भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन के बताओ, 2,2-dimethyl ब्यूटेन, और 2,3-dimethyl ब्यूटेन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वी कैन फॉर्म, एनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स वी कैन फॉर्म, ठीक है जी। तो मैं बोल देती हूँ, हेक्सेन के बाद 2-methyl प्रोपेन बना, पेंटेन बना सकते हो आप, ओके, 3-methyl पेंटेन बना सकते हो, 2,2-dimethyl ब्यूटेन बन सकता है, 2,3-dimethyl ब्यूटेन बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसके बाद प्रोपेन वाला भी बना सकते हो आप, ठीक है, 4 के बाद 3 वाले भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, चेन आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, चेन आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। अब ये हमने एल्कीन्स में बनाया है, नेक्स्ट इज फॉर द एल्कीन्स। एल्कीन्स में वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ब्यूट वन इन, ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूट वन इन, यही है। अब इसका आप चेन आइसोमेरिज्म कैसे बना सकते हो, जस्ट रिप्लेस एनी फंक्शनल ग्रुप हियर, ठीक है जी, ठीक है कि नहीं। 1,2,3,4, दिस इज C4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, C4H8, 1,2,3,4, 3, 3, 6, 7, 8। सिंपली क्या किया, यहां से एक कार्बन को ब्रांचिंग में ले गया, ठीक है। दिस इज द चेन आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ एल्कीन्स, एंड सेम यू कैन फॉर्म फॉर एल्काइन्स। एल्काइन्स के लिए भी आप सेम कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर सपोज ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ पे अच्छा जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर अच्छा जाएगा, ठीक है, नो चेंज। कौन से 5 बेटा, इसमें आप एग्जांपल लिखो फिर एल्काइन्स में, राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ पेंट वन आइन। अब उसके बनाओ जरा पेंट वन आइन, क्योंकि हमें एक और करना पड़ेगा फिर डबल बॉन्ड के लिए, हम ब्यूट पे नहीं जा सकते, ठीक है। पेंट वन आइन के बनाओ स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर पेंट वन आइन। पेंट वन आइन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दिस विल बी CH2, CH2, एंड हियर इट विल बी 3, 4, 1, ठीक है जी, यही हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो चेंज कर दो, अब ठीक है।
वहां पे लगने की जगह नहीं थी ना, वो ब्यूट स्ट्रक्चर था। अब ठीक है, ठीक है। सो दीज टू आर द चेन आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ एल्काइन्स। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन पोजीशन आइसोमर्स। चेन के बाद पोजीशन में हमने सिंपली सब्स्टिट्यूएंट्स की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, ये पोजीशंस चेंज कर देनी है बस। ठीक है, जैसे सपोज इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, वन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, टू, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। ऐसे ही आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, इसमें देखिए ये एक हो गया जिसमें हम एल्काइन्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और ये दूसरा है जिसमें हमने ग्रुप्स की पोजीशन चेंज की है। यहाँ पर वो ग्रुप्स जो हैं वो दोनों कहाँ पर है, अलग अलग कार्बन पे हैं, दैट इज वन टू। यहाँ पर सिंपली वो कौन पे हैं, वन वन पे। ठीक है, यहाँ पर वन टू लिखोगे ना, जब भी आप लिखोगे डाइक्लोरो, यहाँ पे आप वन वन डाइक्लोरो लिखोगे तो पोजीशन चेंज हो गई। ओके, ऐसे ही आप एल्कीन्स की लिख सकते हो। सिमिलर वे यू कैन राइट डाउन फॉर द एल्कीन्स। और आप पोजीशंस कैसे लिख सकते हो, कल मैंने आपको बेंजीन रिंग के बारे में बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट द बेंजीन रिंग्स। हाँ जी, ऐसा स्ट्रक्चर बताया था आपको। अब यहां पर मैं तीन स्ट्रक्चर्स लिखने लगी हूं। ठीक है, इसका नाम होता है इस कॉम्प्लेक्स का ज़ाइलीन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ज़ाइलीन। अब ये डिपेंड करता है कि सी एच थ्री ग्रुप जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। यू कैन सी एक तो फिक्स्ड है इस पॉइंट पे, और बाकी तीनों में मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे बनाया। बेंजीन रिंग्स की ये वाली पोजीशंस, दीज पोजीशंस, दे आर द ऑर्थो पोजीशंस। कौन सी पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो पोजीशंस। ठीक है, ये वाली दो पोजीशंस मेटा होती है, और ये वाली पोजीशन होती है पैरा। दिस पोजीशन इज पैरा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसको देखूं, सो दिस इज ऑन द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑन द मेटा पोजीशन, एंड दिस इज ऑन द पैरा पोजीशन। एक पैरा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए है। हाँ जी, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर? ऐसे ही आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बता देना, जहां पर आपने डबल बॉन्ड्स लगाए हैं वहीं पर एक साइड में सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, वन पोजीशन पे, एक थ्री पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। ओके, सो दिस इज अबाउट द विच आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, जहां पर हम उस सब्सटेंस में, उस कंपाउंड में पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट राइट डाउन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट राइट डाउन फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
नाम से ही पता चल रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। पहले हम क्या कर रहे थे, हम ब्रांचिंग्स में जा रहे थे, स्ट्रेट चेन हो गई, उसके बाद हम ब्रांचिंग्स में जा रहे थे, बट यहाँ पर हम टोटली अपना फंक्शनल ग्रुप ही चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटली हम क्या चेंज कर देंगे, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर देंगे। राइट डाउन द एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ C2H6O। अब इससे मैं क्या बना सकती हूँ, दो कार्बन है, छह ऑक्सीजन है, तीन तो पांच यूज हो गए, एक अल्कोहल बन गया। C2H6O से मैं क्या बना सकती हूँ, मैं एक अल्कोहल बना सकती हूँ। ठीक है, C2H6O से आई कैन फॉर्म ईथर ऑल्सो, C2H6O से मैं ईथर भी बना सकती हूँ। ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया ईथर, देयर इज टोटली चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया। ठीक है, नाउ राइट डाउन फॉर C3H6O, बनाइए C3H6O के लिए बनाओ। इसमें बनना है कि टोन बनेगा और एक एल्डिहाइड बनेगा, बनाओ। One will be ketone and one will be aldehyde. हाँ जी, कीटोन कौन सा बना, नाम बोलो, कीटोन का नाम बोलो, टू ओन और प्रोपेनोन और प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल बना है आपका। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, एसीटोन, हाँ CH3CO CH3 एसीटोन। हाँ जी, ठीक है। सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू फॉर्म फ्रॉम C2H6O2, इसमें बनाओ, एक एसिड बनेगा और एक एस्टर बनेगा, फॉर्म वन एसिड एंड फॉर्म वन एस्टर। दो का एसिड कौन सा है, दो वाला एसिड, टू कार्बन वाला एसिड कौन सा है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, सो यू विल बी फॉर्मिंग CH3। C2 पूछा ना उन्होंने, नहीं C2 ही कहा है मैंने, दिस इज C2H4 बन गया ये तो। दूसरा बना के देखना, एस्टर बन रहा है इस फॉर्मूला से। C4 था वो, C2H4O2। ठीक है जी, नेक्स्ट राइट डाउन मेटामेरिज्म।
फंक्शनल के बाद हम नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोज कंपाउंड्स दैट आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड। जब आपके कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके दोनों साइड्स पे जो एल्काइल ग्रुप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं तो दैट आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म। ठीक है, अब कौन से ग्रुप्स हैं ऐसे जो हम सेंटर में लेते हैं और उसके साइड पे हम चेन्स बनाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स लगाते हैं, कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं? ईथर्स हो गए, और देयर आर ईथर्स आर ओ आर। ठीक है, यहाँ पर आर आप दोनों चेंज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, और एस्टर्स आल्सो आर सी ओ आर, यहाँ पर भी आप दोनों जो हैं वो आर ग्रुप चेंज कर सकते हो। कीटोन्स यहाँ पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, अमीन लिखते हैं हम NH2, दैट इज प्राइमरी अमीन, तो ये सेकेंडरी अमीन हो गया। यहाँ पर दो आर ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ओके, रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमॉरो।